दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज फिशर की प्रोग्रेस दिखाना थी आपको। ये फिशर की जो आप कॉलोनी देख रहे हैं दोस्तों, तो फिशर की ब्रीड देख के आपका दिल खुश होगा, मैं दिखाऊंगा। हालांकि गर्मी का कुछ असर है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हर जगह हो रही है। और देखिए आप कॉलोनी और फिशर को देखिए, ये सब बैठे हुए हैं और हल्की सी धूप आ रही है क्योंकि मैंने अभी इधर धूप आप देख रहे हैं जो दोस्तों, इधर थोड़ा सा मैं कपड़ा वगैरह लगा देता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो चादरें हैं, चादरों का जो सिरा है यहीं पे मेरा पिंजरा रखा हुआ है, देखिए आप। तो धूप आती है इधर से, डायरेक्ट धूप आती है, तो मैं क्या करता हूँ इधर ये कपड़ा वगैरह ऐसे तान देता हूँ तो धूप कम हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं कूलर ये चलाता हूँ, वो पंखा देख रहे हैं आप, पंखा चलाता हूँ गर्मी के लिए। और अब आप देखिए दोस्तों कॉलोनी में चलते हैं, कॉलोनी के अंदर, और मैं दिखाता हूँ आपको फिशर की प्रोग्रेस, मटकियों में क्या हो रहा है ये देखते हैं हम। दोस्तों अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और आप देखिए फिशर लव बर्ड को देखिए, ये इस साइड में दिखा देता हूं आपको कि ये और ये देखिए इस साइड भी हैं, ये सब जाली से चिपके हुए। और सबसे पहले दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको बच्चा जो कि अभी निकला है, ये देखिए ये हरा जो बैठा है ये बच्चा है और बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहा। अगर कद के हिसाब से देखें आप तो ये बड़े फिशर की तरह ही है, ये देखिए ये बच्चा है दोस्तों। तो अब शुरुआत करते हैं 5 नंबर मटकी से। तो देखिए दोस्तों इसमें माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल अच्छे खासे हैं, सेहतमंद हैं। ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखाता हूं, और देखिए और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल एकदम अच्छे खासे हैं, इनका पेट भी सब भरा हुआ है, ये देखिए आप इधर से अगर हम देखें तो। और अब इसके बाजू वाली मटकी देखते हैं दोस्तों, ये 8 नंबर मटकी है और 6 नंबर मटकी क्योंकि ऊपर लगी है उसके 5 नंबर के, तो ये बाजू वाली है। और इसमें देखिए आप इसमें 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे देखिए माशाल्लाह काफी अच्छे हैं दोस्तों। ये देखिए गर्मी हालांकि हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मटकियां भी मैंने लगाई थी जून में आखिर में मटकियां लगाई थी आपको पता है, और देखिए शानदार दिख रहे हैं बच्चे। और इस मटकी में देखिए दोस्तों इसमें एक ही बच्चा है, इसके 3 बच्चे बाहर निकल चुके हैं, 4 बच्चे थे और चारों बच्चे काफी अच्छे सेहतमंद हैं। आप देखिए एक बच्चा तो ये है और बाकी एक मैंने आपको बताया था और 2 और हैं जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस तरह से चारों बच्चे काफी अच्छे से पाले इन्होंने दोस्तों। और देखिए अब मैं आपको ये मटकी दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल ये धूप के करीब है और धूप अभी भी आ रही है, अगर आपको दिख रहा हो हल्का सा, ये देखिए धूप की रोशनी दिख रही हो, धूप आ रही है, हल्की सी धूप आ रही है। बस ये है कि ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, अगर परिंदे पालते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब धूप आती है तेज, उसके आने से पहले ही मैं क्या करता हूँ कि चादर ढाक देता हूँ, तो नहीं तो बच्चे मर चुके होते अब तक, क्योंकि ये आपने देखा है बिल्कुल ही जो पिंजरा है ये नीचे रखा हुआ है शेड के नीचे और बिल्कुल चादर का जो आखिरी सिरा है वहां पे ये मटकी जो है वहीं पे है, आखिरी जो चादर का सिरा है उसके नीचे है। और इधर का ही हम देखें, देखिए और ये देखिए सूरज आपको दिख रहा होगा, इधर से धूप आती है दोस्तों, हल्की सी आ रही है इसलिए मैंने चादर हटा दी है जो कि कपड़े की चादर थी। और अब देखिए आप ये बच्चे, तो ये भी आपको माशाल्लाह काफी अच्छे दिख रहे होंगे दोस्तों, काफी अच्छे सेहतमंद बच्चे हैं। तो इस तरह से ब्रीड अगर देखें तो पूरे बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करी है, जितनों को करना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि इतने करेंगे, उतनों ने तो नहीं करी है दोस्तों, लेकिन जितनों ने भी करी है बर्ड्स के बच्चे आप देख रहे हैं लव बर्ड्स के,
इन्होंने पाले अच्छे हैं बच्चों को। अब देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल कोने वाली बटकी है और ये भी धूप के काफी करीब है, यहाँ तक भी डायरेक्ट धूप आती है, गर्मी भी आती है, सब होता है। लेकिन बच्चे देखिए माशाल्लाह काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि कूलर चला देता हूँ। और ये बच्चे भी देखिए आप, इनके भी बस रुआ आने लगा है और तीन बच्चे हैं। और दोस्तों अब इस मटकी में देखिए आप, इसमें एक ही बच्चा है जो कि ताजा सा लग रहा है, कि ताजा निकला है अभी। हाँ इधर से देखिए आप, हाँ एक ही बच्चा है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली मटकी, तो इसमें देखिए चार बच्चे हैं माशाल्लाह, और मुझे शिफ्ट कर देना चाहिए था, एक बच्चा कर नहीं पाया। जबकि ये चारों बच्चे पाल लेते हैं, आपने देखा था अभी कि कितने अच्छे से बच्चे पाल रहे थे ये। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें तीन बच्चे हैं, ये देख रहा होगा आपको, तीनों बच्चे इसके भी अच्छे हैं, एक लोटिनो है और दो हरे वाले हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये नीचे लगी है मटकी, इसमें देखिए आप माशाल्लाह, इसमें भी तीन बच्चे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और ये तीनों बच्चे भी काफी अच्छे दिख रहे हैं कि पल चुके हैं, यानी कि जब देखिए एक लाल आंख वाला बच्चा है तो पल चुके हैं, यानी कि अब जब इस तरह के बच्चे दिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये समझिए कि 99% बच्चे आपके पल चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए। और अब आ जाते हैं दोस्तों इधर, तो ये मटकी देखिए आप, इसके बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, ये भी अच्छे हैं, बच्चे आपको हर जगह दिखेंगे माशाल्लाह, ठीक है, अच्छे हैं। लव बर्ड में यही खासियत है कि बच्चे कम निकालते हैं और कम को ही पाल लेते हैं। और मरने की बात करें दोस्तों, तो अभी तक एक बच्चा मरा है सिर्फ, और वो भी जो चार बच्चे थे जिस मटकी में, जो सबसे पहली मटकी थी, जिस मटकी के बच्चे अब बाहर निकल चुके हैं, उसमें पांच बच्चे थे शुरू में, तो वो एक दो दिन में ही मर गया था वो बच्चा। बाकी उसके बाद फिर चार बच्चे उस मटकी में भी पाले लव बर्ड्स ने, और दूसरी मटकियों में भी आप देख ही रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है। और अब देखिए दोस्तों, इस मटकी में 28 नंबर है मटकी, और इसमें तीन बच्चे हैं दोस्तों, देखिए माशाल्लाह। और एक बच्चा मैंने अभी नीचे की मटकी में से रखा है, मैं बताऊंगा वो मटकी भी आपको। और इसमें तीनों बच्चे देखिए, इसमें भी ठीक है, और निकले हुए बच्चे हैं ये, ताज़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको। ये देखिए 27 नंबर जो मटकी है, इसमें पांच बच्चे थे तो मैंने एक बच्चा उधर रख दिया, अब उसमें भी अगर ऊपर वाली मटकी में भी अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जैसे अभी तीन हो गए हैं, फिर उसमें भी अगर चार पांच होंगे तो एक बच्चा मुझे कहीं और रखना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये मिल बांट के बच्चों को पाल लेते हैं, और बच्चों को अलग शिफ्ट कर देना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए, इसमें दो मादाएं हैं, और पिछली बार इनके अंडे ख़राब हो गए थे, इस बार फिर दे दिए इन्होंने अंडे, तो इसका भी मुझे कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि नर तो है नहीं, ये दोनों मादाएं हैं जो अंडे देती हैं, इसलिए इतने ज़्यादा अंडे हैं। कभी भी आप देखें अगर पाँच छः अंडों से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो दो मादाओं के अंडे होते हैं। अब दोस्तों इस साइड आ जाते हैं हम, ये वाले कॉर्नर पे, और इधर देखिए आप, इसमें भी बच्चे हैं, और दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे देखिए आप माशाल्लाह ये भी अच्छे हैं, और वही कहूँगा मैं कि पलकर बड़े हो गए हैं। यहाँ पे मेरा हाथ जाता है लेकिन मुझे दिखेगा नहीं, और पहले मैं वीडियो बना लेता हूँ, आप देखिए, मैं बाद में देख लूँगा वीडियो बनाने के बाद। तो दोस्तों देखिए आपने कॉलोनी की प्रोग्रेस,
इतनी गर्मी में भी बच्चे पाल रहे हैं लव बर्ड और ठीक ठाक पाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चे ठीक भी हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करा करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।